Hi, I'm Sneha, and probably whoever is watching this video used to watch my GATE preparation related videos. And I just hit 10k subscriber, not just but 1 month back. And I mean, I was not that excited about it because I'm not looking forward to making more GATE related videos as such. I mean, there are a lot of reasons. एक तो एक तो गेट के बारे में मैं वीडियो बनाती रहूँगी लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करो, ये वो सो. और मोटिवेशन एक ऐसा फील्ड है, आई डोंट थिंक आई एम कैपेबल इनफ टू सजेस्ट एनीथिंग टू समवन टू कीप देम मोटिवेटेड, बिकॉज आई स्टिल माई सेल्फ स्ट्रगल टू मोटिवेट माई सेल्फ ऑन डेली बेसिस. तो अभी का लाइफ अपडेट ये है कि अभी मैं आई एम वर्किंग इन एनवीडिया एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस होता है हमारा. फिर वीकेंड पे भी ऐसे कुछ वीडियो बनाने का मन नहीं करता, और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी वीडियो बना के कुछ भी यूट्यूब पे डाल दूँ. और अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि कुछ भी वीडियो बना के ना डालूँ तो मुझे थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा वीडियोज़ बनाने के लिए, और क्योंकि उसमें एफर्ट्स करना पड़ेगा तो उस वजह से मैं वीडियो ही नहीं बना रही हूँ. बट आज सुबह सुबह मुझे I was planning to work from home today, and I was just lying. I opened my LinkedIn and I saw this message from someone who said ki I just reached a 10k subscriber. I'm not doing anything about it. Maine pehle kafi mehnat kari hai, to get here. So I should keep going forward, So I think aise messages mostly main jab bhi video banati hu to mujhe koi aisa hi message aaya hota hai, aur uske baad main sochti hu ki kya koi to chahta hai ki main video banau, to main bana leti hu. So I like to thank Ashish for requesting to make this video. So mostly because I'm working from home, I thought I'll make just a simple vlog about simple house chores and how I'm planning to work from home. I'll see if this video is good enough. I'll upload. Thank you. So I'll tell you about my daily routine. It's not like I follow it every day, but I try to the routine that I try to follow every day. Because right now I'm working in NVIDIA, so तो अभी कॉलेज के मुताबिक मैं अभी मेरा रूटीन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि मैं सुबह हमारी 8:30 पे ऑफिस ट्रांसपोर्ट आता है. जो ऑफिस ट्रांसपोर्ट है वो अराउंड 100 मीटर फ्रॉम माई हाउस है, तो वहाँ पे आता है. तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा ऑफिस ट्रांसपोर्ट से ही जाऊँ और ऑफिस ट्रांसपोर्ट से ही वापस आऊँ. 8:30 पे मैं ऑफिस जाती हूँ, एंड देन एग्जैक्ट एट 5 PM ऑफिस ट्रांसपोर्ट से ही घर आ जाती हूँ. ऐसा नहीं है कि घर आने के बाद कभी कुछ काम नहीं होता, बट आई ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ माई वर्क इन ऑफिस आवर्स. तो अभी तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी सही है, दैट्स गुड. और ऑफिस जाने के बाद मेरा रूटीन मुझे लगता है इससे भी अच्छा है. मैं कॉलेज टाइम पे बहुत लेट उठती थी, रात को लेट सोती थी, लेट उठती थी, ब्रेकफास्ट मिस होता था, और बहुत सारी चीज़ें. जब तुम लेट उठते हो, ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, ऐसे तुम्हारा रूटीन बन जाता है, तो तुम ऑन अ डेली बेसिस अच्छा नहीं महसूस करती हो. मैं बहुत एंशियस फील करती थी एट द एंड ऑफ द डे. तो उस टाइम पे ही मैंने ऐसे जर्नलिंग का ट्राई किया था. तो अभी भी ये जो मेरी बुक है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लिखा हुआ है. इसमें मैं हमेशा तभी लिखती हूँ जब मैं कुछ एंशियस फील करती हूँ, या फिर कोई ऐसी फीलिंग जो कि तुम जल्दी से दूर हटाना चाहते हो, तो लिख के तुम दूर हटाना चाहते हो ऐसा कुछ. तो उसके लिए मैंने जर्नलिंग स्टार्ट करी थी. तो हाँ, अभी मैं बता रही थी कि अभी क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ सुबह जल्दी उठूँ. फिर जल्दी उठती हूँ तो ऑफिस जाके ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, फिर ऑफिस जाके. और मुझे पहले बहुत ज़्यादा नींद आती थी, मतलब मैं लंच के बाद तो मुझे सोना कंपलसरी था. मैं इवन मास्टर्स में भी बहुत सारी क्लास अटेंड नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ दिस हैबिट. पर अभी वो वाली हैबिट भी सुधर गई है, क्योंकि ऑफिस के बाद तो तुम ऑफिस में तो तुम सो नहीं सकते लंच के बाद, तो वो अच्छी चीज़ है. फिर 5 बजे मैं वापस आ जाती हूँ, और उस टाइम पर मुझे काफ़ी नींद आती है, तो मोस्टली मैं सो जाती हूँ. अगर मैं सोई तो मैं अपनी फ्लैटमेट के साथ या तो वॉक करने चल जाते हैं, या तो हम साथ में एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो दैट्स समथिंग. वीडियो बना रही है हाँ. तो यूजुअली जब हम ऑफिस नहीं जाते हैं तो ब्रेकफास्ट बनाने में बहुत आलस आता है, तो हम ऐसे अंडे उबाल के खा लेते हैं.
हमारा चूल्हा बहुत ही गंदा दिख रहा है। अभी बस बारिश होती तो सब मस्त होता, कितना मजा आता। सोच अभी बारिश हो रही होती तो अच्छे बादल लग रहे हैं, बारिश के बादल नहीं लग रहे। जब हम घर पे थे उससे पहले ऐसे लगता था बैंगलोर पता नहीं कैसे होता होगा। हाँ यार भाई, अभी ऐसा लग रहा है सारे शहर एक जैसे होता है। सच में हम जब से बैंगलोर आए हम तब से किसी ऐसी जगह की हंट में है जहाँ पे हम रोज जाके वॉक कर सके। अभी जैसे ये जगह है पर यहाँ पे रास्ता इतना मिट्टी मिट्टी वाला है और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इतने गाड़ियों से धूल मिट्टी के रास्ते से गुजर के आना पड़ता, जैसे वर्थ इट नहीं लगता। ऑल्सो ये जगह इतनी सेफ भी नहीं लग रही है, यहाँ पे केवल हम दोनों और कोई ऐसी पीछे से कोई तो लोग आ रहे हैं। मतलब तो ऐसे भीड़ होनी चाहिए ना, ऐसे अंकल आंटी लोग इतने चाहिए वॉक करते हुए। क्या रे, हमें कब ऐसी जगह मिलेगी बैंगलोर में जहाँ हम रोज वॉक पे आ सके। वो बीना रामपुरा वाला ले। और यहीं पे जहाँ से हम अपने घर से पैदल पैदल आए यहीं से पूरा बागमानी टेक पार्क स्टार्ट होता और वहीं हमारा ऑफिस भी है, तो हम अपने ऑफिस ही वॉक करने भी जा सकते हैं। या अभी हम टेक पार्क के अंदर घुस चुके हैं, आज वर्क फ्रॉम होम किया था और शाम को ऑफिस पहुंच गए वॉक करने के लिए। ये हमारा ऑफिस है। Thank you.